अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और आज ये चीज़ें देख के आप लोग समझ तो गए होंगे कि क्या बन रहा है। जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं जी। आज केक बन रहा है और बहुत ही इजी केक, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला केक, दुनिया का सबसे इजी केक मेरे ख्याल से यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो चले जी, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम स्टार्ट करें और आपको साथ साथ दिखाएं कि क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ, इसमें जी मुझे चाहिए 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर और 8 से 10 चम्मच जो है ना टेबलस्पून वो चीनी के चाहिए, ठीक है। और चीनी आप पीस भी सकते हैं, वैसे पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और चीनी अगर आप ज़्यादा मतलब मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ में चाहिए हमें 1 टीस्पून इसका बेकिंग पाउडर का, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए वनीला एसेंट का और 3 अंडे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। चलो जी, सबसे पहले हम अंडे लेंगे और अंडे की हमने जर्दी अलग करनी है और जो सफ़ेदी है ना वो हम अलग करेंगे, ठीक है। वो भी मैं बताती हूँ किस तरह। अब ऐसे ना, ये रूम टेम्परेचर पे मैंने एग लिए हैं, ठीक है। इस तरह ये मैं अलग रखूंगी और जो वाइट इसका पार्ट है वो मैं अलग रखूंगी। पहले हम इसको बीट करेंगे, सिर्फ जो एग वाइट है हम सिर्फ इसको बीट करेंगे, ठीक है। ऑन कर लेते हैं यहाँ से। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, एग वाइट मैंने बीट कर ली है और बिल्कुल जो है ना, ये देख लें, ये नहीं गिरेंगे। हमें ऐसा एग वाइट बीट करना है, ठीक है। और 2 मिनट भी नहीं लगे मेरे ख्याल से, इतने भी नहीं लगे। चलें अब जी हम इसमें डालेंगे ये एग योक, और ये हमने डाल दिए। साथ हम इसके डालेंगे ये शुगर, जो है आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 10 टेबल स्पून ले लें, और अगर थोड़ा मनासा मीठा खाते हैं तो 8 टेबल स्पून जो है ना आप इसमें ले लें, ठीक है। ये सारी शुगर इसमें गई और अब हम इसको करेंगे बीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एग की जो योग है वो भी सारी बीट हो गई और ये देखिए कितना क्रीमी स्ट्रक्चर आ गया इसका, ठीक है। बस हमने इसको ऐसे ही रखना है। अब इसमें जी हम डालेंगे ये 3 टेबल स्पून जो है मैदा, ठीक है। पहले हम इसको हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। चले जी, अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून जो है ना ये कोको पाउडर। ये हमने जरा भर भर के डालने हैं कोको पाउडर के, ठीक हो क्या। ये जी साथ में चला गया वनीला एसेंट 1/2 टीस्पून, ठीक है। और 1 टीस्पून जो है ना हम इसमें डाल देंगे ये बेकिंग पाउडर, ठीक है। एक लेवल का करके बस इस तरह डाल देंगे। चल बस अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। चले जी, अब ये जो हमने ये बनाया ना मिक्सचर, अब ये हम थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें जो है ना डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको हम मिक्स करेंगे। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लगे ना, कि ये जैसे बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो आप इसमें से हल्का हल्का ना वो थोड़ा सा दूध डाल के इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने मिक्स कर देना इस वजह से, ठीक है। पहले मैं इसमें डाल लूँ सारा, फिर मैं दिखाती हूँ। ये जी मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है। अच्छा, एग बीट करने का जो होता है ना, वो इसलिए हम एग बीट करते हैं ताकि उसमें जो इसकी फॉर्म बन गई या फिर जो हमने उसकी योक को बीट किया है, वो इसलिए किया है ताकि इसमें से स्मेल ना आए। जो हमारा केक है ना उसमें से अंडे की स्मेल ना आए। सिर्फ बीट करने का मेरी नज़र में सिर्फ यही एक जो हल है ना वो यही है, एक मकसद जो है ना, हल कह रही हूँ मकसद वो यही है। चले अब इसको ना हम पहले हल्का हल्का सा मिक्स करते हैं। ये बीट हो गया सारा और अब आपके पास सबसे बड़ा सरप्राइज मैं आपको देने लगी हूँ कि ये केक इतनी जल्दी बनेगा कैसे। चले बस ये गए और ये आए हम। ये है जी सरप्राइज जिसमें बनेगा हमारा केक, बहुत ही मज़ेदार केक। सैंडविच मेकर में हम करेंगे बहुत
ही जबरदस्त जो है ना केक रेडी। अच्छा अब इसको क्या करना है कि हम इसको ना हल्का सा ये ऑयल लगा लेंगे, ठीक है, हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लें या थोड़ा सा बटर लगा लें। मैंने ऑयल लगा लिया है और अब हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल इसके जहां हम ब्रेड रखते हैं वहां पे हमने ये देखिए ऐसे सारा ये बैटर डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कम हो रही है यहाँ पे, थोड़ी सी लाइट का ना इशू हो रहा है, लेकिन चले कोई नहीं जी। हमने ये बैटर हमने डाल लेना चारों तरफ और इस तरह हमने हल्का हल्का सा फैला देना है और बस 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, मैक्सिमम 5 मिनट में भी हो जाता है ये, ठीक हो गया। अच्छा जी पूरे 5 मिनट हो गए और पूरे 5 मिनट बाद ना मैं ये ओपन करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ वाओ ज़बरदस्त। अच्छा चलें अब इसमें ना हम कुछ चीज़ डाल के देखते हैं बारीक सी कि ये बने हैं या नहीं बने हैं, अंदर से कच्चा है या पक्का है, ठीक है। और अगर तो वैसे आ जाएगा तो ठीक है, अगर लग जाएगा तो अभी ये देखें बिल्कुल क्लियर आया है ना। ये देखें बिल्कुल क्लियर आया, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अंदर से पक गए हैं। चलें इसको प्लेट में निकालते हैं। अच्छा मैंने ना ये नाइफ के साथ ऐसे कट लगा लिए थे और बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से ना हमने इसको ऐसे जो है ना ऐसे करना है और ये निकल आएंगे। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगा लें बेशक आप लोग और फिर ये बिल्कुल आराम से निकल आएंगे, ठीक है। ये देखें ये सारे जो है ना आराम से निकल आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में रखते हैं, थोड़ा ध्यान से गर्म है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के जो है ना केक सैंडविच रेडी हो गए हैं। ये देखें जी 5 से 6 मिनट में बनने वाले हैं ये केक सैंडविच और बहुत ही इजी हैं। और इसको आप जो आजकल बच्चों को मिलता है नट्रोला बहुत पसंद है, आप बच्चों को इसको नट्रोला लगा के ऊपर दे सकते हैं, नहीं तो जो हमें बाहर से मेडिकल स्टोर से कोई भी इंजेक्शन लेके इंजेक्शन मतलब वो जो सिरिंज होती है उसमें हम अगर नट्रोला भर लें और यहाँ से साइड से अंदर डाल के हम इसमें भर दें तो चॉकलेट सैंडविच ये बन जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऊपर ऊपर लगा के नट्रोला ऊपर लगा के आप इनको दे सकते हैं, क्रीम के साथ इनको जो है ना बच्चों को दे सकते हैं। और ये मतलब गर्मा गर्म हम चाय के साथ भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी। हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ये देखें जी केक सैंडविच मेरे रेडी हो गए हैं, मज़ेदार, इतने मज़े के लग रहे हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है। और देखें कि कितनी जल्दी रेडी हो गए हैं। और इसको आप जैसे मैंने आपको बताया है नट्रोला के साथ बच्चों को या क्रीम के साथ, साथ एक्स्ट्रा क्रीम रख के और उसके साथ जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। और एज अ स्नैक मतलब हम जब चाय पिए तो हम भी इसको खा सकते हैं। चले जी अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे पास बैठा हुआ और हम इसको कहते हैं कि हमें टेस्ट करके बताए कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी मोहम्मद मुस्तफ़ा, वाओ ज़बरदस्त है वाकई में के जूटी जूती हैं, जल्दी बोलो ठीक है मज़े का है। चले जी आप मुझे ट्यूशन लंच दे। ट्यूशन में लंच दूँ आपको? हाँ जी चलो ठीक हो गया सारे ओके। और कप केक साथ ऐसे ओके कप केक भी बना देती हूँ। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। बाय बाय नाइस बॉट मी मम्मा चांदम लाइक अ बाय।